पिछले दिन ही तिलक जंजू दे राखे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साल प्रकाश पुरब नूं समर्पित गुरु के महल श्री अमृतसर साहिब तो जो नगर कीर्तन आरंभ होया सी जो कि वख-वख शहरां पिंडां विच दी हुंदा होया देर रात नाभा नेड़े पिंड रामगढ़ स्थित गुरुद्वारा श्री बौली साहब पातशाही नौवीं विखे पहुंच गया है जिस दे स्वागत दे लई संगतां दे विच भारी उत्साह वेखण नूं मिलिया। रात समय दा विश्राम करन उपरंत यह महान नगर कीर्तन गुरुद्वारा रामगढ़ बौड़ा तो अज सवेरे अरदास करन उपरंत पंज प्यारां दी अगवाई दे विच अगले पड़ाव दे लई आरंभ होया। नगर कीर्तन दे रस्तियां नूं संगतां वल्लों वख-वख तरहां दे गेट ला के सजाया गया अते लंगरां दे वी प्रबंध कीते गए सन। इस मौके गलबात करदिआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे अतरंगी कमेटी मैंबर सतविंदर सिंह टोड़ा ने कहा, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित जो नगर कीर्तन सजाया गया है ओह पंजाब हरियाणा दिल्ली तों हुंदा होया तख्त श्री केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब विखे संपूर्ण होवेगा अते इस नगर कीर्तन नूं लै के संगतां दे विच भारी उत्साह वी वेखण नूं बलिदान दे दिता सी। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सकत्तर ने कहा कि नगर कीर्तन नूं लै के संगतां दे विच जिथे भारी उत्साह वेखण नूं मिल रहा है अते उत्थे ही नगर कीर्तन दा थां थां दे संगतां दे वल्लों वड्डी पद्धर दे उपर स्वागत किया जा रहा है। जथेदार बलतेज सिंह खोक ने कहा कि जो यह महान नगर कीर्तन नाभा हल्के दे विच पहुंचा है इस नाल नौजवानां नूं सेध मिलेगी अते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी लासानी शहादत नूं सिजदा करन दा उहनां नूं सुभाग भी प्राप्त होवेगा। सच्चे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी नूं समर्पित महान नगर कीर्तन गुरु पातशाह दे प्रकाश स्थान के महल श्री अमृतसर तो आरंभ हो के पड़ा दर पड़ा चलता होया अज पातशाह के स्थान गुरुद्वारा बौली साहब रामगढ़ बौड़ा विखे रात के विश्राम वास्ते रुकिया सी। सवेर की आरंभता हो रही है। समुचा खालसा पंथ गुरु पातशाह की प्रकाश शताब्दी बड़ी जाहो जलाल चढ़ती कला भावना न बना रहा है जिते संगत बड़ा चाव है पातशाह नमन कर रही हैं। उत्थे त्याग से वैराग और अनुराग की मूर्त तरन सच्चे पातशाह का जो जीवन है किमें जबर का मुकाबला सबर नाल करना जबर जुलम का विरोध करना है नहत्या की मदद करनी है धर्म की खातर मनुख की मनुखी अधिकार खातर पातशाह ने शहादत दी सी। आओ समुचा खालसा पंथ पातशाह के जीवन तो सीध लैके जिते बाणी और बाण के धारने बनीए अपना जीवन सफल करिए गुरु दी खुशियां प्राप्त करिए उत्थे समुचे पंथ खालसा नूं अज होले मोहल्ले दे लख लख वधाई होवे। आओ इस पवित्र मौके ते आपां अमृतधारी बन के गुरु दी आशीषां प्राप्त करिए। सब दा धन्नवाद समुची श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी वल्लों खालसा पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी ने जिन्हें समुचे गुरु पंथ खालसा नां लैके वड्डे उपराले कीते हन समुची श्रोमणी कमेटी वल्लों समुची संगत दा कोटन कोट धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। श्री अमृतसर साहब तो शुरू होया सी ये गुरद्वारा दुखनवाल साहब फतेहगढ़ साहब हुंदा होया सारे पड़ावां तों तय करदा होया अज गुरद्वारा बौली साहब बोड़ा विखे कल पुज्जिया सी। अज जिहड़ी इत्थों नगर कीर्तन की रफ्ता की जा रही है अगे पड़ा दर पड़ा हुंदा होया ये गुरद्वारा साहब नानकियाणा साहब साहब नूं पहुँचेगा जी। ते संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद जिहड़ियां साडे जी आयां नूं कर रहीआं सेवा कर रहीआं उहनां दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। ये जो नगर कीर्तन श्री अमृतसर साहब चो गुरु के महल जिथे धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का जन्मदिन हो जन्म स्थान है उस स्थान तो शुरू हो के इन्हों ने पड़ा दर पड़ा इतने अज गुरद्वारा बौली साहब रामगढ़ बौड़ा पहुँचे है तो इस अगला पड़ा इन्होंने दिल्ली जाना है पड़ा बड़ा पड़ा होकर दिल्ली तो वापस आनंदपुर साहब आके अभी समाप्ति होनी है। अज उस महान गुरु की अज आप जन्म शताब्दी मना रहे हैं जेता उपदेश जी भाई काहू को देतना है ना भाई मानतान कहो नानक सुन रहे बना यानी चाहे बखाण दे उस महान सिद्धांत में चलते हुए ना किसी जुल्म करना है तो ना किसी का सहना है उस सिद्धांत में चलते हुए अज समुचा पंथ अज उस गुरु जन्म शताब्दी मना रहा है उस धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ तेग बहादुर महाराज के चरणों में कोटन कोटन नमस्कार समूह संगतान को जन्म शताब्दी लख लख बधाई। नाभा तो जगनार सिंह दुलद्दी की रिपोर्ट चढ़दी कला टाइम टीवी।